हे गाइस, वेलकम ऑन दिस चैनल तरंग एकेडमी फॉर क्रैक नीट इन ईजी वे। सो गाइस, अब हम सिर्फ नीट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उसके आगे जो भी आप मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हो, पैथो, फिजियो, एना, हम उसके भी कुछ लेसन्स जो है वो अपलोड करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो जैसे कि मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था रिलेटेड टू द नियोप्लाज्म, कि नियोप्लाज्म क्या है। मैंने उसमें सिर्फ बहुत ही बेसिक पॉइंट बताए थे, उसकी डेफिनेशन एंड उनका क्लासिफिकेशन, जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो आज हम बात करेंगे स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स के बारे में। पर उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ। जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था, वो मैंने एक बुक से पढ़ाया था, और आज मैं ये जो आपके सामने जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ वो स्लाइड्स हैं। सो गाइस, आप मुझे बताइए कि आपको स्लाइड्स से पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है या फिर आप बुक्स के थ्रू पढ़ना चाहते हैं। तो मैं उसी तरीके से वीडियोस बनाऊंगी, क्योंकि मुझे स्लाइड भी बनानी होंगी और बुक्स भी पढ़ाना होगा। ठीक है, तो आप मुझे बता दीजिए कि आपको किस में ज़्यादा बेटर समझ में आता है। ठीक है, तो मैंने दोनों ही टाइप की इसलिए वीडियो बना दी है। अगर आपने प्रीवियस वन नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए, आज हम बात करते हैं स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स के बारे में। अब जब हम पहले स्पेशल कैटेगरी ऑफ ट्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक बार हमें रिवीजन कर लेना चाहिए कि ट्यूमर होता क्या है। सो ट्यूमर इज़ द नियोप्लाज्म। ठीक है, नियोप्लाज्म क्या है? इट इज़ अ मास ऑफ अ टिश्यू फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एबनॉर्मल, ये पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना, इट इज़ एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनोमस एंड पर्पसलेस प्रोलीफ्रेशन ऑफ सेल्स इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ अ ग्रोथ स्टिमुलस विच कॉज्ड इट। सिंपल, तो ये हमने एक बार डेफिनेशन का रिविजन कर लिया। उसके बाद हमने बात की थी कि इसके दो बेसिक कॉम्पोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से? पैरेन्काइमा एंड सपोर्टिव स्ट्रोमा। आफ्टर दैट हमने बताया था कि जो बेनाइन ट्यूमर्स होते हैं उनमें एक सफिक्स लगा होता है ओमा, और जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं अगर वो एपिथेलियल ओरिजिन से हैं तो उसको हम बोलते हैं कार्सिनोमास, और अगर वो मेसेनकाइमल ओरिजिन से है तो उसको हम बोलते हैं सार्कोमास। ठीक है, सो इतना हमने प्रीवियस वन में पढ़ा था, और आज की वीडियो में हम करते हैं बात स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स के बारे में। सो ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज हैं, जिसमें पहली है मिक्स्ड ट्यूमर। मिक्स्ड ट्यूमर में क्या होता है? When two types of a tumors are combined in the same tumor, दो टाइप के ट्यूमर मिलके अगर एक ट्यूमर बना रहे हैं, आप इस वर्ड से ही समझ जाओगे मिक्स्ड ट्यूमर है। तो दो टाइप ऑफ ट्यूमर मिल रहे हैं और मिलके एक ट्यूमर बना रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे मिक्स्ड ट्यूमर। जिसके एग्जांपल में आता है एडिनोस्क्यूमस कार्सिनोमा या प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। तो इसका क्या मतलब है कि एडिनोस्क्यूमस, एडिनो इज रिलेटेड विद द ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, एडिनोस्क्यूमस कार्सिनोमा। अब कार्सिनोमा वर्ड हमने जोड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? कार्सिनोमा इज रिलेटेड विद द एपिथेलियल ओरिजिन। सो स्क्यूमस जो है ये कौन से टिश्यू का पार्ट है? एपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है, सो इसीलिए क्या है, ये कार्सिनोमा है। सो मिक्स ट्यूमर का एग्जांपल आता है एडिनोस्क्यूमस कार्सिनोमा एंड प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। सो व्हाट इज प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा? इट इज सलाइवरी बेनाइन ट्यूमर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल टिश्यू। सो प्लियोमॉर्फिक है एडिनोमा, एडिनोमा इज रिलेटेड विद द ग्लैंड्स, तो सलाइवरी बेनाइन ट्यूमर हैविंग कॉम्बिनेशन ऑफ द एपिथेलियल एंड मेसेनकाइमल टिश्यू, बोथ टिश्यूज। ओके, नेक्स्ट है टेराटोमास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी स्पेशल कैटेगरीज। ठीक है, तो टेराटोमास क्या है? मिक्सचर ऑफ अ वेरियस टाइप्स वेरियस टिश्यूज टाइप्स अराइजिंग फ्रॉम टोटिपोटेंट सेल्स ड्राइव फ्रॉम द थ्री जर्म सेल देयर्स एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो सिंपल इन्होंने ये कहा है कि वेरियस टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है, अराइजिंग फ्रॉम टोटिपोटेंट सेल से वेरियस टाइप ऑफ टिश्यूज बनते हैं, ड्राइव फ्रॉम द थ्री जर्म लेयर्स, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सो उसमें अगर ट्यूमर हो रहा है तो उसको बोलेंगे टेराटोमास, इज रिलेटेड विद द टोटिपोटेंट सेल। ध्यान रखना, मिक्स ट्यूमर को उसका नाम से समझ में आ गया था, मिक्सड हो गए दो ट्यूमर, जिसमें हमने एग्जाम्पल पढ़ा था एडिनोस्क्यूमस कार्सिनोमा और प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा। उसके बाद टेराटोमास इज रिलेटेड विद द टोटिपोटेंट सेल्स, एंड टोटिपोटेंट सेल्स में हम क्या पढ़ते हैं? थ्री लेयर्स, जर्म लेयर्स होती है, कौन कौन सी? एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। एंड इनकी कॉमन साइट्स हैं ओवरीज एंड टेस्टिस, सिंपली होगी क्योंकि वो टोटिपोटेंट सेल्स से रिलेट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद है ब्लास्टोमास, जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोमास। सो इससे भी हमें समझ में आ रहा है, इज रिलेटेड विद द एम्ब्रियो, तो अराइजिंग फ्रॉम एम्ब्रियोनल और पार्शियली डिफरेंशिएटेड सेल्स विच वुड नॉर्मली
form blastema of the organs and tissue during embryogenesis. So normally ये जो सेल्स होते हैं ठीक है जो टिश्यूज़ होते हैं वो ऑर्गन्स बनाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस बट यहाँ पर क्या बनाएंगे वो ट्यूमर तो अराइज फ्रॉम एम्ब्रियोनल और पार्शली डिफ्रेंशिएटेड सेल्स विच वुड नॉर्मली फॉर्म ब्लास्टीमा ऑफ द ऑर्गन्स एंड टिश्यू ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस मोर फ्रिक्वेंटली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन तो सिंपली एम्ब्रियोमास है एम्ब्रियोजेनेसिस से रिलेटेड है तो किसमें होगा बच्चों में होता है ये मोर फ्रिक्वेंटली इन इन्फेंट्स एंड द चिल्ड्रंस अंडर 5 ईयर्स ऑफ अ एज सो इसमें है न्यूरोब्लास्टोमा नेफ्रोब्लास्टोमा जिसको हम बोलते हैं विलियम्स ट्यूमर ठीक है नेफ्रोब्लास्टोमा एंड हेपेटोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा मेड्यूलोब्लास्टोमा पल्मोनरी ब्लास्टोमा ठीक है सो आप देख रहे होगा सबके बाद में क्या लगा है ओमा 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 सो क्या है ये बेनाइन ट्यूमर्स हैं उसके बाद है हेमाटोमास सो बेनाइन ट्यूमर विच इज़ मेड ऑफ मैच्योर बट डिसऑर्गनाइज सेल्स ऑफ अ टिश्यू इंडिजिनस टू द पर्टिकुलर ऑर्गन एग्जाम्पल इज अ पल्मोनरी हेमाटोमा सो हेमाटोमा का मतलब क्या है कि ऐसा बेनाइन ट्यूमर जो कि बना है मैच्योर से ठीक है जिनकी जो सेल्स हैं वो मैच्योर हैं बट डिसऑर्गनाइज है हमने अभी जब पढ़ा था डेफिनेशन पढ़ी थी नियोप्लाज्मी की तो हमने क्या कहा था कि अनकोऑर्डिनेटेड अनकोऑर्डिनेशन है उसमें कोई कोऑर्डिनेशन से नहीं बनी है वो सेल्स अगर किसी कोऑर्डिनेशन से बन रही हैं तो वहाँ पर कुछ ही चीज़ का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा ठीक है पर वो अनकोऑर्डिनेटेड है वो सेल्स पे सेल्स प्रोलिफरेट होती जा रही हैं सो वो कैसी है डिसऑर्गनाइज्ड सेल्स ऑफ अ टिश्यू और वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन से इंडिजिनस हो गई हैं चिपक गई हैं तो उसमें एक एग्जांपल में दे दिया पल्मोनरी हेमाटोमा मतलब कि रिलेटेड विद द लंग्स सो हमने टोटल अभी 4 स्पेशल कैटेगरीज पढ़ी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग थी तो एक बार करते हैं फटाफट का रिवीजन और मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ऐसे स्लाइड से पढ़ना अच्छा लगता है या फिर आप बुक से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करेंगे ठीक है तो मिक्स ट्यूमर में क्या हुआ मिक्स हो गया दो ट्यूमर एडिनो स्क्यूमस कार्सिनोमा टेराटोमास में हमने क्या किया मिक्सचर ऑफ अ वेरियस टिश्यू टाइप्स अराइजिंग फ्रॉम अ टोटिपोटेंट सेल्स एंड इसमें हमने किसके बारे में पढ़ा कॉमन साइज की क्या होती है ओवरीज एंड टेस्टिस एंड स्पेशल कैटेगरीज ऑफ ट्यूमर्स में हमने और ब्लास्टोमास और हेमाटोमास के बारे में पढ़ा ब्लास्टोमा इज रिलेटेड विद द एम्ब्रियोमास एम्ब्रियोमास मतलब कि जो ब्लास्टीमा बनाते हैं ऑफ द ऑर्गन्स बट वो क्या बना देते हैं एक ट्यूमर बन जाता है मोर फ्रिक्वेंटली इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर्स एज इसमें न्यूरोब्लास्टोमा नेफ्रोब्लास्टोमा और हेपेटोब्लास्टोमा रेटिनोब्लास्टोमा ये सारे बेनाइन ट्यूमर्स आते हैं इसका है हेमाटोमा विच वन इज ऑल्सो अ बेनाइन ट्यूमर विच इज मेड अप ऑफ मैच्योर बट डिसऑर्गेनाइज सेल्स ऑफ अ टिश्यू इंडिजिनस टू पर्टिकुलर ऑर्गन ये आपको ध्यान रखना है कि अब देखो ये वर्ड जो है हम ऐसे हम बोल रहे हैं तो लग रहा है हेमाटोमा मेराटोमा तो वो जो पर्टिकुलर ऑर्गन है वो कह रहा है ये मेरा वाला नियोप्लाज्म है सो कह रहा है हेमाटोमा तो इसे पर्टिकुलर ऑर्गन से वो चिपक रहा है इंडिजिनस हो रहा है जिसको हमने नाम दे दिया हेमाटोमा जिसके एग्जाम्पल में है पल्मोनरी हेमाटोमा ओके सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस टाइप ऑफ वीडियोज एंड प्लीज हिट लाइक बटन शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो उसके अलावा आप नीट की प्रिपरेशन के लिए मुझे अनअकैडमी में फॉलो कर सकते हैं और पैथो की मैं और बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाली हूँ तो आप मुझे जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपको कैसे पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगेगा ओके सो देन बाय बाय टेक केयर थैंक यू सो मच